ओके सर, स्टार्ट हाँ हो बेटा, गए तुम्हारा सर। स्टार्ट सही है बेटा। तो बेटा अब चलो इसके आगे नेक्स्ट है। कंसीडर ए सिस्टम विद टू लेवल कैच है। द एक्सेस टाइम ऑफ 11 कैच है, L2 कैच है एंड मैम मेमोरी आर। बेटा ये हमें दे रखा है और हिट रेट दे रखा है। देन व्हाट इज द टी एवरेज टाइम इग्नोरिंग इग्नोरिंग द विथ इन द कैच है। चलो बेटा इसको करो। हमें क्या दे रखा है बेटा, एक्सेस टाइम ऑफ L1 कैचे का दे रखा है 1 नैनो सेकेंड। तो मतलब T1 दे रखा है बेटा हमें कर वन लिया नैनो सर, मैंने सेकेंड कर हो गया बेटा, लिया सर। यस और सर, T2 दे रखा है बेटा 10 नैनो सेकेंड, और टी मेन टू मेमोरी का दे हाँ 10 नैनो सेकेंड, और मेन मेमोरी का क्या दे रखा है हमारा T3 मेन मेमोरी का दे रखा है 500 नैनो सेकेंड। कर लिया सर मैंने पूरा। हाँ बेटा बाकी सबको भी करने दो 500 नैनो सेकेंड। और हिट रेशियो दे रखा है बेटा, इसका दे रखा है 0.8 और इसका हिट रेशियो दे रखा है 0.9 सेकेंड लेवल का। तो बेटा हमें टी एवरेज निकालना है। सर लास्ट वाला में सर आपने लास्ट लाइन है ना, जहाँ 0.2 × 0.1 × 500 लिखा हुआ है, उसमें सर आपने एक और शॉर्ट रखा है ना, मतलब तीन ही लिख रखे हैं आपने। तो एक तो 1 − S1 आएगा, 1 − S2 आएगा, और मेन मेमोरी वाला आएगा, और T2 आएगा। तो एक हाँ तो आपने सही शॉर्ट कह रखा, रहे, तीन ही तो आएंगे बेटा। तीन नहीं, ये क्या चार हो गया आएंगे। बेटा, देखो H1 × T1, तो H1 क्या दे हाँ रखा बेटा 0.8, तो हाँ 0.8 सही है, इंटू T1 क्या हो गया 1 नैनो सेकेंड, हाँ प्लस सही है। पॉइंट S1 टू पॉइंट टू क्या हो गया बेटा इसका मिस रेट, तो 0.2 × H2 वन का माइनस बेटा वन हिट, ये H2 का हिट रेशियो कितना है 0.9 इंटू बेटा हाँ सेकेंड लेवल एक्सेस के टाइम टी कितना टू है 10 नैनो सेकेंड, यस सही है, प्लस अब बेटा इसमें आएंगे तो पहले का जो मिस रेट 0.2 आएगा, दूसरे का यस मिस सर। रेट क्या हो गया 0.1 आ गया, और थर्ड वाले का मैं क्या हो मुझे जाएगा 1 हो जाएगा, 1 आएगा। हाँ लिखा नहीं है ना आपने सर, हाँ वन ही आएगा। हाँ तो वो तो 1 होगा ना, मैंने क्या कहा, वो बाय डिफॉल्ट हमेशा लास्ट लेवल का हिट रेशियो 1 होता है, इंटू 1 × 500 नैनो सेकेंड। तो उसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 12.6 नैनो सेकेंड। हाँ सही सर, वो 1 से गुणा करेंगे तो वही बात होती। हाँ तो बेटा 1 ही आएगा ना, तो मैं बता ही रखा, तो मैंने सबसे पहले बता दिया लास्ट लेवल में हिट रेशियो कभी नहीं मिलेगा, वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि डेटा तुम्हारा यदि इन दो लेवल पर नहीं मिला तो लास्ट लेवल पे तो डेटा मिलेगा ही मिलेगा। यदि वो कैश में नहीं होगा तो मेन मेमोरी में होगा, मेन मेमोरी में नहीं होगा तो वो किस में होगा, सेकेंडरी मेमोरी में, तो हार्ड डिस्क में तो होगा ही होगा। हाँ बेटा इसमें किसी को कंफ्यूजन? नहीं सर, हाँ बेटा नहीं सर। चलो बेटा फिर नेक्स्ट। तो बेटा ये वाला करो। ए सिस्टम इज एम्प्लॉइंग विथ 3 लेवल। द एक्सेस टाइम ऑफ L1, L2 एंड L3 मेमोरीज इज 100 नैनो सेकेंड पर वर्ड एंड 150 नैनो सेकेंड पर वर्ड एंड 500 नैनो सेकेंड पर वर्ड। द L2 एंड L3 मेमोरीज आर डिवाइडेड इनटू द ब्लॉक ऑफ 5 वर्ड्स। व्हेन ए पेज फॉल्ट ऑकर इन L1 एंड L2, द प्रोसेसर मस्ट रीड फ्रॉम L3 मेमोरी ओनली। देन H1 एंड H2 आर दे रखा है, तो व्हाट इज टी एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे बेटा उसने डायरेक्ट ना देके क्या कर रखा है तुम्हें, जो एक्सेस टाइम है बेटा वो पर वर्ड के उसमें दे रखा है नैनो सेकंड पर वर्ड, और इसने क्या दे रखा है वर्ड का साइज दे रखा है कितना दे रखा है बेटा 5, ब्लॉक ऑफ 5 वर्ड। तो ये बेटा 5 वर्ड हमारा साइज दे रखा है, तो हमारा क्या है T1 इक्वल टू कितना था बेटा 100 नैनो सेकंड पर वर्ड, और T2 क्या है बेटा हमारा 150 नैनो सेकेंड पर वर्ड। तो 150 × 5 750 हो गया, और T3 क्या है बेटा 500 नैनो सेकेंड वर्ड, तो 500 × 5 25 ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है बेटा, देखो 3 लेवल है तो हाँ बेटा हमारा हमने क्या है बेटा L2 और L3 मेमोरीज को हमने डिवाइड करा था इंटू ए ब्लॉक ऑफ 5 वर्ड्स, तो इसलिए बेटा हमने T1 में क्या करा 5 का मल्टीप्लीकेशन नहीं करा है, बट T2 और T3 में क्या बेटा हमने 5 से इसको मल्टीप्लाई करा है। यस सही है सर, बेटा। अब क्या है बेटा, मैं H1 और H2 में दे रखा है, तो अब सिंपल बेटा वही फॉर्मूला है, मगर अब ये बेटा कौन सा वाला केस हो गया, यहाँ पे देखो बेटा डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है प्रोसेसर पहले L1 पे कनेक्ट है और फिर क्या बेटा L2 और L3 बेटा हमारी अलग से डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या हो गया ये हमारा हायरार्कल मॉडल हो गया सेकेंड वाला केस। तो यहाँ पे क्या है बेटा पहले हमारा 0.8 हिट रेशियो क्या है 80%, मतलब 0.8 × इसका एक्सेस टाइम 100 नैनो सेकेंड, प्लस इसका मिस रेट क्या है 0.2
प्लस सेकेंडरी सेकेंड का क्या है हिट रेशियो 0.9 इनटू अब क्या बेटा टी वन टाइम बेटा हमारा ये सब फर्स्ट लेवल पे जाने लगा और फिर टी टू टाइम सेकंड लेवल पे जाने लगा तो टी वन टाइम 100 और टी टू टाइम कितना 750 तो 100 प्लस 750 प्लस अब बेटा दोबारा एलेवन लेवल का हिट मिस कितना हो गया 0.2 और इसका क्या है 0.9 था तो इसका क्या हो गया 0.1 हो गया और एस थ्री क्या होगा बेटा वो बाई डिफॉल्ट 1 होगा अब इसका और क्या हो जाएगा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटा ये आंसर आ जाएगा हाँ बेटा इसमें किसी को कंफ्यूजन सर वापस एक बार ये बताइए कि हमने हमने टी वन में 5 का गुणा क्यों नहीं किया बेटा टी वन में इसलिए नहीं करा देखो इसमें क्या लिखा है द एल टू एंड एल थ्री मेमोरीज आर डिवाइडेड इनटू ए ब्लॉक ऑफ 5 वर्ड्स तो बेटा ये एल टू और एल थ्री को हमने डिवाइड करा है ब्लॉक ऑफ 5 वर्ड्स में हमने टी वन को नहीं करा है इसलिए बेटा टी वन बेटा सिंपल हमारा ये 100 नैनो सेकंड हो गया और एक वर्ड का साइज बेटा हमने लोगों ने क्या मान रखा बाय डिफॉल्ट 1 मान रखा है वर्ल्ड एड्रेसेबल मेमोरी होती है जब भी बेटा यदि हमारा कभी साइज नहीं दिया हो ना वर्ल्ड का तो ये मांग के चलो वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है इसका मतलब क्या है मेमोरी इज ए बाइट एड्रेसेबल और यदि बेटा हमें वर्ल्ड का साइज गिवन है कि एक वर्ल्ड इक्वल टू 5 बाइट्स या एक वर्ल्ड इक्वल टू 6 बिट जो भी हमें कोई गिवन वैल्यू है तो वो उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करेंगे जब बेटा हमें कोई वैल्यू नहीं दी होती है तो वो हमेशा क्या है बाइट एड्रेसेबल होता है बाय डिफॉल्ट अब बताओ बेटा कोई कंफ्यूजन इसमें नो सर अब बेटा हम लोगों ने कुछ अब हम पढ़ेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वगैरह हाँ तो अभी तक बेटा हम लोगों ने जो पढ़ा कंसीडर ए डायरेक्ट मैप कैचे विथ 8 कैचे ब्लॉक 0 to 7 इफ द मेमोरी ब्लॉक रिक्वेस्ट आर इन द ऑर्डर ये है विथ रेस्पेक्ट टू मेमोरी ब्लॉक कौन सा बेटा हमारा इसमें सिक्वेंस में नहीं होगा तो बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था एक डायरेक्ट मैपिंग पढ़ी थी है ना बेटा तो डायरेक्ट मैपिंग के केस में क्या है अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मैपिंग पढ़ी थी जिसमें हमने क्या करा था डायरेक्ट मैपिंग में मेमोरी को हमने मेन मेमोरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था तो इसमें बेटा बेसिकली हमारा क्या होता है इसको बेटा हमने बेसिकली क्या है बेटा ऐसे कर लो 0 to 7 ब्लॉक है तो हमने क्या करा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बेटा यहाँ लिख ले रहा हूँ हाँ सॉरी 7 यहाँ लिख ले रहा हूँ तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 0 to 7 बेटा टोटल 8 ब्लॉक हमारे कैच के हैं और वो क्या कह रहा है कि कुछ हमारी मेमोरी रेफरेंस इसने वैल्यू दे रखी है तो वो क्या कह रहा है कि लास्ट में जब हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे प्रोसेस अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मैपिंग तो हमारा कौन सा ऐसा जो होगा कि मतलब कैच में नहीं होगा क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो बेटा सबसे पहले क्या है कि बेटा डायरेक्ट मैपिंग में क्या है हम लोग सिंपल क्या करते हैं हमारा बेटा ये फॉर्मूला याद रख लो के मॉड एन मतलब क्या है कि कोई भी बेटा हमारा मेमोरी जो भी रेफरेंस होगा उसकी जो वैल्यू होगी मॉड कितने नंबर ऑफ कैचे होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा ये हमारा डायरेक्ट के अकॉर्डिंग काम होगा के मॉड एन के का मतलब क्या होगा बेटा जो ये हमारे मेमोरी रेफरेंस आएंगे और एन क्या होगा बेटा टोटल नंबर ऑफ कैचे ब्लॉक तो फर्स्ट क्या है बेटा हमारा 3 तो 3 mod 8 का मतलब क्या हो गया बेटा हाँ बेटा इसका मतलब बताओ बेटा इसका ये तुम डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट मैपिंग के केस में बेटा के मॉड एन होता है कि वेयर के इज द मेमोरी रेफरेंस एंड एन इज द टोटल नंबर ऑफ कैचे ब्लॉक तो बेटा 3 मॉड 8 की वैल्यू क्या हो गई 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो मतलब 3 बेटा 2 कैसे आया 3 तो आया हां तो बेटा इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये जाएगा 3 वाले में सही है तो ये क्या हो गया बेटा हमारा 3 वाले में चले गया अब क्या है बेटा नेक्स्ट क्या है 5 तो 5 मॉड 8 क्या हो गया बेटा हमारा 5 में आ गया फिर क्या है नेक्स्ट 2 वाला बेटा किस में आ गया हमारा 2 वाले में आ गया अब क्या है बेटा नेक्स्ट हमारा 8 तो 8 डिवाइड बाय 8 मतलब 0 तो मतलब ये किस में आ गया बेटा ऊपर वाले में 8 यस में आ गया फिर क्या है नेक्स्ट 0 तो 0 डिवाइड बाय 8 क्या हो गया बेटा
जीरो वाले में आ गया। अब क्या है बेटा, देखो यहाँ पे ये चालू होता है कि जीरो में बेटा हमारा पहले ही ऑलरेडी एट आ गया था। अब क्या है बेटा, हमारा नेक्स्ट वाला जो जीरो ब्लॉक है बेटा वो इसी में आएगा, तो हम क्या करेंगे इस स्पेस को हम रिप्लेस करेंगे, तो ये एट वाला बेटा रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ही बताओ बेटा, इतनी बात समझाओ मुझे पहले, बात इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ बेटा सर वापस आ गई सर। एक बार हाँ बेटा एक दुआई बताओ। यस सर। बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल बेटा एट कैच ब्लॉक है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो तो बेटा जितने नंबर ऑफ कैच ब्लॉक दिए होते हैं हमेशा बेटा एक टेबल में ऐसे बना लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 टोटल बेटा ये हमने कैच ब्लॉक बना लिए, 0 to 7 8 हो गए। फिर उसके बाद क्या है कि डायरेक्ट कौन सी मैपिंग है, इसने कहा डायरेक्ट मैपिंग है, तो डायरेक्ट मैपिंग का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, के मॉड एन, वेयर के इज द मेमोरी डिफरेंस एंड एन इज द टोटल नंबर ऑफ कैच ब्लॉक। तो मतलब क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया के मॉड एट, इसका बेसिक मीनिंग क्या हो गया, के मॉड एट हमें दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ कैच ब्लॉक कितने दे रखे हैं, एट है, तो इसका मतलब के मॉड एट। अब क्या है कि सिंपल जो बेटा मेमोरी रेफरेंस दे रखे हैं उसको फर्स्ट यहाँ पुट करो, तो फर्स्ट क्या थ्री, तो थ्री मॉड एट का मतलब क्या हो गया, एट से नीचे जितने भी होंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो सिंपल वो वैल्यू तो बेटा वही उसी में आएंगी, एट से ऊपर जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे रिमाइंडर निकालेंगे। अब क्या है बेटा, जो थ्री था तो थ्री मॉड एट बेटा हमारा सिंपल थ्री वाले कैच इसमें ब्लॉक में आएगा, नेक्स्ट फाइव बेटा हमारा फाइव वाले ब्लॉक में आएगा, जो टू है बेटा वो टू वाले ब्लॉक में आएगा। अब इसके बाद क्या है एट, तो एट मॉड एट क्या हो गया जीरो, तो बेटा हमारा एट मॉड एट क्या हो गया जीरो हो गया, तो बेटा हमारा जीरो वाले ब्लॉक में डाल दिया। अब नेक्स्ट क्या बेटा जीरो, अब नेक्स्ट हम जब जीरो करेंगे जीरो मॉड एट तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा जीरो आएगी, तो जीरो आएगी तो इसमें क्या हो गया, तो बेटा अब इसमें क्या है कि हमारा पेज पहले से यहाँ पे था, अब इसको क्या करना पड़ेगा हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हमने एट को रिप्लेस कर दिया जीरो से। अब ऐसे बेटा नेक्स्ट क्या है सिक्स, तो एट मॉड सिक्स का मतलब क्या हो गया सिक्स, तो यहाँ पे बेटा हमारा आ गया सिक्स। फिर क्या है नेक्स्ट क्या है थ्री, तो बेटा अब यहाँ पर